तो रुड़की से शाहजाद, बाद्राबाद से केशव, पौड़ी से भगवान और ऋषिकेश से संजय मेरे साथ बने हुए। इसके अलावा सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर तिलक चावला भी हमारे साथ बने। सबसे पहले उन्हीं का मैं रुख करूंगी। तिलक जी, आज लोकतंत्र का महापर्व है, तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है, भारी संख्या में मतदाता जागरूक होकर पहुंच रहे हैं, सबसे पहले आपकी टिप्पणी। बिल्कुल काजोल, मैं सबसे पहले अपने सारे सहयोगियों की ग्राउंड जीरो पर सुबह से नॉनस्टॉप कवरेज पहुंचा रहे हैं, उत्तराखंड की आवाम को पल पल की अपडेट दे रहे हैं, पर्दे के पीछे पर्दे के आगे मेरे तमाम सहयोगियों को लोकतंत्र के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ग्राउंड जीरो पर हैं, आप सभी मेहनत कर रहे हैं और सभी उत्तराखंड की आवाम की सोच और नजरिया बता रहे हैं, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लोकतंत्र के इस प्यार भरे त्योहार का आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले आज उत्तराखंड के इस महापर्व के बारे में दिलचस्प बातें, क्योंकि भगवान सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केशव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह से नॉनस्टॉप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम चप्पे चप्पे से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। 632 उम्मीदवार जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, 70 सीटें और साथ ही साथ 82 लाख मतदाता, 82 लाख मतदाता आज तय करेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड में किसकी सरकार चाह रहे हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने अपना बकायदा एग्जिट पोल किया और धरातल पर तस्वीर अपने सहारे, लेकिन फिर भी जनता का मिजाज, जनता की सोच, जनता का नजरिया आखिरकार क्या है, आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो मतदान आज है और अब चुननी है उत्तराखंड को अपनी सरकार, यानी कि उत्तराखंड की आवाम चुनेगी अपनी सरकार। तो सबसे पहले मैं बात उत्तराखंड की पौड़ी की सीटों की करना चाहूंगा और पौड़ी की सीटें, भगवान सिंह आपके पास ग्राउंड जीरो से क्या अपडेट है और पौड़ी की तस्वीर जरा बताइए उत्तराखंड की आवाम को। बिल्कुल, सभी को मतदाताओं को मेरा सभी को नमस्कार और मैं यही अपील करूंगा कि इस समय मतदान का प्रयोग सभी लोग करें। और मैं समय पौड़ी विधानसभा के बूथ पे खड़ा हूं 37 पे। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको यहां पे स्वास्थ्य विभाग की टीम की बात करें, तमाम सभी बात करें, यहां पे एनसीआर के बच्चों की बात करें, तमाम सभी सुविधा यहां पे की जा रही है। और यहां पे मैं बताऊं आपको, बिना मास्क के भी किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहां पे जो बालिका है तो मैं उनसे पूछूंगा कि आगे आपकी क्या बेटा, आप क्या क्या कर रहे हैं लोगों के लिए। क्या कारण है कि सर आपको इसमें लगना पड़ रहा है? सर ऐसा हो कि सर सावधानी बरती जाए। यहाँ पे कुछ मैं स्थानीय बुजुर्ग है, मैं उनसे पूछूं, सर आप वोट डाल के आ गए थे, किस बार का प्रत्याशी आपका, कैसा चुना, क्या पैसे प्रत्याशी चाहिए आपको? मैं प्रत्याशी, हमने तो राष्ट्रवाद को लेके प्रत्याशी चुना है और वही प्रत्याशी है जो कि क्षेत्र की समस्याओं का भी निराकरण कर सके। देखा जाता है, बिल्कुल भगवान को चाहिए। मैं पहले बताया कि मुझे तो राष्ट्रीय स्तर पे अपने वोट को कास्ट करना है और वही मैंने किया। यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था की गई है मतदान स्थल पे? जी जी जी, यहाँ पे ये है कि आप सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है और ग्लव्स वगैरह की व्यवस्था है, ये तो व्यवस्था होनी, बाकी तो और जरूरत है नहीं, इतना ठंडा है, पानी की भी जरूरत नहीं पड़ रही। पानी की जरूरत पड़ी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं चावला जी, यहाँ पे तो तमाम, यहाँ पे मैम आप यहाँ पे और कुछ महिला भी है यहाँ पे, आप वोट डाल आ चुके थे, किस बार का प्रत्याशी, कैसा चुना आप लोगों ने, क्या चुना? तो आपने प्रत्याशी जो वोट डाल के आए हैं तो कैसा प्रत्याशी चुना है आप लोगों ने? ऐसा चुना है जो हम लोग को मदद कर सके और हम लोगों का देश में जो ये बढ़ाई हो रही है प्राइसेस की, तो वो कम करें, उनके लिए चुना है। वोट डाल के आ गए आप? हम डाल के आ गए। ठीक है, ये थे मेरे साथ बुजुर्ग यहाँ पे। तो कुछ भाई, आपने जो वोट डाला था आज, कैसा प्रत्याशी चुना आपने, कैसा प्रत्याशी और क्या अपील की आपके पास? जो लोगों के लिए काम करे, कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको, जो मिले जमीनी स्तर से जुड़ा हो और लोगों की परेशानी समझे, महंगाई कम करे,
इस बार यहाँ पे कहा गया है कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे है और यूकेडी भी है और कांग्रेस और भाजपा भी है, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों जैसे कि लगातार यहाँ पे भाजपा के विधायक रह चुके हैं कि जिनका वर्तमान जो विधायक है मुकेश कोहली, नो पॉलिटिकल कमेंट्स, नो पॉलिटिकल, ठीक, यहाँ पे सभी का यही कहना है कि यहाँ पे टिकट चाहे किसी को भी मिला है तो हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ और जानकारी, यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर दी गई है पुलिसकर्मी यहाँ पे, कि अभी तक कितना वोटिंग हो चुका है, क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई है आपके लिए? मेरी ड्यूटी अभी बाहर है, वो अब तक पता लगेगा, लेकिन क्या क्या है फिर भी, किस तरह सर यहाँ पे देखने को मिला, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं सब आप एक, क्योंकि आप एक अधिकारी है तो आपको भी यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है, तो आप लोगों को क्या अपील कहेंगे किस तरह से? हम तो अपनी जिम्मेवारी से ड्यूटी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दिया, बाहर खड़े हैं यहाँ पे। जैसे कि बुजुर्गों के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई? बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर है, वो अपना वॉकी वॉकर है, ठीक है, और ये एनसीसी कैंडिडेट हैं जो उनको लेके जाते हैं अंदर, वोटिंग करा के बाहर लेके आते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं आपको एक तस्वीर और दिखा दूंगा यहाँ पे, कि तस्वीर अगर ना मेरे दस्तक देख सकते हो आप जी यहाँ पे, कि यहाँ पे कार्टून बना के यहाँ पे लोगों को, तो किस तरह से इसका रुझान मिल रहा है, क्या इस लग रहा है आपको, किस चीज का रूप है आपका? रूप शेर का। अच्छा जी सर, तो आप सहयोगी भी है आपके यहाँ पे, तो क्या कहेंगे लोगों को वोट के लिए अपील, आप क्या कहेंगे आप लोगों के लिए? अच्छा सुझाव देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से, चावला जी मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अभी मैं कुछ थोड़ा सा और तस्वीर में भी अभी जनता को दिखाऊंगा, और सभी से मेरा भी अनुरोध है, न्यूज वर्ल्ड की तरफ से भी अनुरोध है कि आप वोट का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि एक वोट बड़ा कीमती होता है। और सभी प्रत्याशियों के यहाँ पे बता दूं, पौड़ी विधानसभा की, तो यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी नवल किशोर जो की कांग्रेस प्रत्याशी है, भाजपा के प्रत्याशी जो कि राजकुमार पौड़ी है, और यूकेडी से पूनम टमटा। भगवान आपसे पौड़ी जिले की तस्वीर पूरी जाननी है, जरा मुझे ये बताइए आपने वोट किया कि नहीं? भगवान जी एक बार थोड़ा सा दोबारा सा, आपकी आवाज नहीं आई। मैंने कहा आपने वोट किया भगवान जी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैंने वोट अभी स्वयं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा गांव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का है, खैरासैन है, तो मैं यहां से अपनी कब्रस, क्योंकि सबसे पहले मेरा भी काम है। चलिए आप वोट जरूर डालिएगा, वोट जरूर डालिएगा, लेकिन मेरा भी अब तुरंत इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ से निकलूंगा, उसके बाद मतदान का प्रयोग करूंगा, लेकिन मेरा भी अनुरोध है। और यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे यहाँ का जो टीकाकरण का भी यहाँ पे साथ साथ चल रहा है, यहाँ पे जो टीम बैठी है, तो उनसे भी थोड़ा पूछूंगा कि अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे किस टीम, कितने को, मैम आपने अभी तक कितने लोगों को टीका लगा चुका है यहाँ पे? 4 लोगों को टीका लग चुका है। यहाँ पे जैसे कि आपको क्या क्या व्यवस्था की गई यहाँ पे, क्या किस तरह से आप लोगों को अपील करेंगे वोट डालने के लिए? हम कहेंगे कि सभी सैनिटाइज, अपने हाथ सैनिटाइज करें और वोट देने जाएं, जो जिसका हक है वो अपना हक से वोट दें। आपने वोट तो डाल दिया होगा आज, तो अभी तक नहीं डाला, क्योंकि हम ड्यूटी पे हैं और वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन भी लग रही है। चलिए आ रहा हूं मैं आपके पास, भगवान आप लाइन पे बने रहिए।